मुट्ठी भर मुसलमान कर रहे हैं। यानी के जिस देश में हिंदू 80% है, उस देश में हिंदू खतरे में महसूस कर रहा है। मलेशिया में 1.5% हिंदू है, इंडोनेशिया में भी 2-1% हिंदू है, नेपाल में तो खैर है ही, सूरीनाम में भी है, मॉरिशियस में भी है, लेकिन जो बहुमत हिंदुओं का हिंदुस्तान में है कहीं नहीं। और हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं। तो बहुत सही उदाहरण उन्होंने दिया कि चलिए आप मुसलमानों को कुछ मत दीजिए, ईसाइयों को कुछ मत दीजिए, लेकिन हिंदुओं को तो दे दीजिए। लेकिन और जिस अग्निपथ पे उन्होंने इस देश के तमाम नौजवानों को धकेला है, वो अग्निपथ उनके हिंदुत्व और उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके राष्ट्रवाद का उसका असली चेहरा हमारे सामने एक बार फिर से रखती। मैं JNU में पढ़ाता हूँ, JNU में जब 2016 में इस देश इस सरकार का राष्ट्रवाद फटके हमारे ऊपर पड़ा था, तो JNU के छात्रों ने, वहां के शिक्षकों ने एक बात पुरजोर तरीके से रखी कि आपके राष्ट्रवाद में राष्ट्र में रहने वाले लोग उनकी भलाई, उनका दुख सुख क्या वो राष्ट्रवाद की परिभाषा में आता है या नहीं आता। उनके लिए राष्ट्र कोई ऐसी चीज है जो हम सबके सर पे चढ़ के रहती है। राष्ट्र हम सबके सर पे चढ़ के रहता है, और अडानी, अंबानी और उनके दलाल जो तमाम पार्टियों में है, उन्हें छोड़ करके हर मेहनत कश को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, या किसी भी जाति और संप्रदाय का हो, उसे इस राष्ट्र के नीचे रहना होगा। यानी के उनका जो भी राष्ट्र है, उनका जो भी राष्ट्रवाद है, उसका हमारे और आपके जीवन से कोई यथार्थवादी रिश्ता नहीं। कल तक राष्ट्रवाद की परिपाटी पे उसकी कसौटी क्या थी? सेना। आप कहे रोजगार दो, खाना दो,
तो जनता के हर सवाल को फौज और फौजी में बदल दिया जाता हो रहा है। राष्ट्र खाना मांगते हो, राष्ट्र की सेवा का सोचो, और जो उन्हीं के मुताबिक उनके राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा प्रतीक है फौज और फौजी, आज उनका क्या हाल, ये राष्ट्रवादी कर रहे हैं, ये हमारे आपके सामने। इस देश के करोड़ों करोड़ नौजवान अगर अपनी जनवादी मांगों को रखे, अपने रोजगार का सवाल रखे, शिक्षा का सवाल रखे, तो उनका हाल वही किया जाएगा जो ये सरकार अग्निपथ के जरिए कर रही है। दरअसल अग्निपथ कोई पथ नहीं है, एक ऐसी भट्टी है जिसमें कि इस देश के हर नौजवान, हर मेहनतकश के वो सपने कि वो इज्जत की जिंदगी जी सके, बसर कर सके, अपना और अपने परिवार का इज्जत के साथ पेट भर सके, हर उस सपने को इस अग्निपथ की भट्टी में झोंका जाएगा और झोंका जा रहा है।